तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे एक बताने वाले गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाएं। जैसा कि दोस्तों अगर आपका ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से अगर आपको पैसे कमाने यानी कि यूट्यूब का पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो आप सभी को गूगल एडसेंस अकाउंट अनिवार्य है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना अनिवार्य है। जैसा कि दोस्तों आप सभी बता दें गूगल एडसेंस में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से काफी लोग अगर पुराने तरीके से गूगल एडसेंस अकाउंट को बना रहे हैं तो उनमें गूगल एडसेंस अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है, उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जा रहा है, उसका पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, कुछ इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो काफी लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि भाई आप जो है एक नया तरीका बताओ किस तरीके से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको वही तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल न्यू प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन थे बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं, न्यू ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आपको भी एक सेफली गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना है। इसके बाद आप जो है एक गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करके अपने यूट्यूब के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं यानी कि ला सकते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए ले चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो दोस्तों यहां पर आ चुके हैं गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए सिंपली अपने मोबाइल फोन में आपको यहां पर गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल एडसेंस बनाने के लिए गूगल क्रोम ओपन करेंगे, जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे इसके बाद यहां पर सर्च करना है आपको गूगल एडसेंस। सिंपली चलिए मैं आपको टाइप कर दे रहा हूं, जो टाइप करूंगा वही आपको टाइप करना है। सिंपली आप क्या टाइप करेंगे, गूगल एडसेंस आपको टाइप करना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप गूगल एडसेंस टाइप करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर गूगल एडसेंस टाइप करके सिंपली इसे सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी गूगल एडसेंस की, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको हो सकता है सबसे ऊपर भी देखने को मिल जाए, जैसे कि ये देखिए स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पर ये वेबसाइट स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पर आपको सिंपली ऑलरेडी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड साइड है। सिंपली नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा एडसेंस यहाँ पर नीचे, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है जो कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है एडसेंस की ये वाली। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है सिंपली यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करिए, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये वेबसाइट मिल जाएगी गूगल एडसेंस की सबसे ऊपर। आपको इसमें भी पता नहीं चलेगा कि कौन, ऐसे नहीं पता चलेगा कौन सी फेक है कौन सी ओरिजिनल है, ऐसे यहाँ पर पता चल चुका है गूगल एडसेंस, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से साइड ओपन हो जाती है। आपको सबसे पहले यहाँ से ये जो है यहाँ पर मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। अब आपको न्यू गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी फॉर वैल्यू कॉन्टेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर गेट स्टार्टेड बटन जो दिख रहा है यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जितनी भी जीमेल आईडी होंगी आपके मोबाइल फ़ोन में सारी जीमेल आईडी शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जिस जीमेल आईडी से आपको बनाना है एक न्यू जीमेल आईडी बना लेना है। इसके बाद जिसके नेम से आपको बनाना है उसका ये ध्यान देना है कि आपका हो सकता है पैन कार्ड उनका अवेलेबल हो, इसके बाद पासपोर्ट अवेलेबल हो, इसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब मैं इस जीमेल आईडी पर क्लिक कर लेता हूँ जिस पर मुझे बनाना है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर वेबसाइट। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं, वेबसाइट के लिए नहीं बना रहे हैं सिंपली इस वाले आई डोंट हैव ए साइट पे क्लिक करेंगे, इस बार नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, सारी चीज़ें आप समझते चलिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट अबाउट एडसेंस यानी अबाउट एडसेंस बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, कोई भी सजेशन आएगा एडसेंस बताएगा आपको तो सिंपली यस पे आपको क्लिक करना है, न कि आपको यहाँ पर नो पे, सिंपली यस पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर योर पेमेंट कंट्री कंट्री टेम्परेरी, सो सिंपली आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर इस पर क्लिक करिए यूरो वाले पे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी कंट्री है जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, आपका जो कंट्री हो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके चलता हूँ तो यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आई किधर है आई, यहाँ पर इंडिया है तो सिंपली इंडिया को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन है अबाउट टर्म कंडीशन इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है सारा कुछ। इसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करेंगे इसके बाद इस पर क्लिक करना है आई हैव रीड एक्सेप्ट एग्रीमेंट, यानी कि आपने रीड कर लिया है सारा कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है इसे रीड वाले इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक करेंगे ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ें आपको समझना है दोस्तों, कहीं भी आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर गेट
लेट्स गेट योर स्टार्टेड, मतलब आपका यहाँ पर आ चुके हैं गूगल एडसेंस के पेज पे। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया एड्स यहाँ पर दिख रहा है, इसके बाद साइड हो गया अगर जिसके बाद साइड है। अब आपको ये जो आपका येलो दिख रहा है इसे ग्रीन करना है पेमेंट इन्फो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपली पेमेंट इन्फो को ग्रीन करने के लिए इंटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करिए। जैसे इंटर इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो सिंपली थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। सबसे पहले गलती आप लोग यही करते हैं कि यहाँ पर अकाउंट टाइप पे आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको दिख रहा है तो यहाँ पर बिजनेस आपको नहीं करना है, हमेशा आपको ध्यान देना है अकाउंट यहाँ पेंसिल वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर नेम डालना है, तो जैसे कि मेरा पहले ही मेरे नेम से पहले ही बना है तो मैं यहाँ पर मेरे भाई के नाम से बनाऊँगा। सिंपली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नीरज के नाम से, तो सिंपली मैं नीरज यादव के नाम से बनाऊंगा, तो मैं नीरज यादव के नाम से यहाँ पर बना लेता हूँ नीरज यादव। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें समझा देते हैं। एड्रेस में आपको विलेज का नेम डालना है, इसके बाद दूसरे में आपको पोस्ट का नेम डालना है, मतलब आपके विलेज का जो भी पोस्ट हो, या फिर सिटी में रहते हैं तो आप सिटी का एरिया डालिए, इसके बाद जिस एरिया में रहते हैं इसके बाद एड्रेस डालिए, जो आधार कार्ड में है वो, जो पैन कार्ड में है एड्रेस वही। टाउन सिटी, जैसे कि टाउन सिटी आपका जो भी है, जैसे कि आपके जो मेन मार्केट होता है उसको डाल सकते हैं, या फिर पोस्ट कोड, जैसे पोस्ट कोड यहाँ पर मेरा जो है, जैसे कि आपका पोस्ट कोड होता है, आपके ज़िले का कोड होता है, या फिर आपके एरिए का कोड होता है, जैसे कि ये 22-13-09 है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपका असम है, बिहार है, जो भी हो, मैं यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है आपको, इसके बाद जैसे ही आप सारा कुछ करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो चलिए मैं आगे का डिटेल यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। पर मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, इसके बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस में आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है, यानी टेक्स्ट के थ्रू मैसेज चाहिए, यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सेंड कर क्लिक करना है। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोड आएगा, यहाँ पर आपको दिखा दें इंटर कोड, तो सिंपली मैं यहाँ पर 6 डिजिट का कोड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देख सकते हैं जो कोड है मेरा यहाँ पर आपको 58-21-20। इसके बाद आपके पास मान लीजिए नहीं आता था, एक बार और आप रीसेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद कोड आने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पेमेंट इन्फो आपका ग्रीन हो चुका है, यानी ऑलरेडी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन चुका है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान में देना है आपका जो जिस जीमेल आईडी से बनाए हैं, जब आप यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा आई हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, उस पर क्लिक करिए। इसके बाद इस जीमेल आईडी को डालिए और पासवर्ड को डालिए और आपका एडसेंस अकाउंट पहले ही बना रहेगा, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रहेंगी। तो सिर्फ आपको ईमेल आईडी बस डालना होगा, सिर्फ आपको ईमेल आईडी लिख कर रख लेना है। यहाँ पर पेमेंट इन्फो वाले ऑप्शन पर चल के आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपका जैसे ही $10 कंप्लीट होगा वेरीफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा और आपकी यहाँ पर पेमेंट भी आने लगेगी, यहाँ से बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से सही तरीका होता है गूगल एडसेंस का जो है अकाउंट बनाने का। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें एक तरफ मैंने एक्सप्लेन की है। दोस्तों अगर आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट बना चुके होंगे तो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, गूगल एडसेंस रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टाग्राम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब रिलेटेड गूगल एडसेंस रिलेटेड वीडियो आपको रोजाना मिलती रहती है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।